मैं बताती हूँ कि जो स्ट्रेस है वो क्यों होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कहाँ का बीमारी है? स्ट्रेस हमारा जो मन है और जो हमारा दिमाग है, इनकी मन तो चारों तरफ है, वो यूनिवर्सल होता है, उसका कोई शेप नहीं है मन का। और जो दिमाग है वो फिजिकल बॉडी का, हमारे स्थूल शरीर का पार्ट है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो अपनी ऊर्जा है, मान लो आप खाना खाते हो, सुबह दोपहर शाम एक अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन वो ऊर्जा जो बनती है वो कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करते हो आप? सारी ऊर्जा अपने विचारों में नष्ट कर लेते हो, सारी ऊर्जा आप जो रोजमर्रा के काम है उसके लिए आप नष्ट कर लेते हो, फिर ऊर्जा कहाँ से आएगी? अगर ऊर्जा नहीं आती है तो दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है, आपके पेट को भी रेस्ट चाहिए होता है। इतना सा पेट है तो उसको जितना साइज है उतना ही हमें खाना चाहिए, लेकिन हम एक्सेस में खा लेते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम ज़्यादा खा लें तो हम उस चीज़ को डाइजेस्ट पचा नहीं पाएंगे। सेम इसी तरह जब हमारे दिमाग का जो बीच का हिस्सा होता है ना, मिड ब्रेन, वहाँ पे विचार सबसे ज़्यादा होते हैं। और कौन से विचार होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है? जैसे कि बताया कि 70,000 विचार आते हैं, उन विचारों को कोई लेना देना नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लो कि मेरे पास कोई दोस्त आता है या मेरे पास कोई ऑफिस में आता है, तो मैं कहूँगी कि उसको अभी नहीं बुलाना, क्या करेंगे बुला के, अभी उससे बात नहीं करने का दिल है। अब ये विचार, नहीं, बुरा मान जाएगा, नहीं, लोग क्या कहेंगे, नहीं, अंदर से आवाज आने लगती है, ये कितने सारे विचार 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, ये क्या है? ये स्ट्रेस है। ये है सारे विचार इकट्ठे होके, इकट्ठे होके कहाँ पे फिल्टर होंगे? वो फिल्टर होंगे, फिल्टर होने के बाद कहीं एक विचार आएगा, ओके बुला लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो उससे बात कर लेते हैं, सुपरफिशियली, दिल नहीं है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये एक स्ट्रेस का हिस्सा है, नंबर एक। नंबर दो, स्ट्रेस क्या होता है? हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, अरे अभी नहीं पढ़ते, फिर पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, शिफ्ट करते रहते हैं अपनी बहुत सारी जिंदगी के जो काम हैं उनको हम शिफ्ट करते हैं, हम फिक्स नहीं होते, हम शिफ्ट करते रहते हैं। मान लो मेरा बात करने का दिल है, या आम तौर पे जो नॉर्मल रूटीन में जो फ्रेंड सर्कल है या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें हमारा बात करने का दिल होता है, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आज की डेट में जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो बाहर के लोग हैं वो सब व्हाट्सएप पे बिजी हैं, उनको किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है, क्योंकि हम अपनी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो क्या करें, क्या करेंगे हम? क्या भाग जाएंगे कहीं पर? नहीं। क्या हम कहीं ये सोचेंगे कि अरे यहाँ से घर छोड़ के चले जाएं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। खुद के अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ये स्ट्रेस दूर करने का तरीका पता लगता है। स्ट्रेस का तरीका कैसे पता लगेगा? कि जब हम अपनी सांस के साथ जुड़ेंगे तो हमारे जो ब्रेन के अंदर, जो मिड ब्रेन के अंदर जो हजारों हजारों विचार होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। वो क्लियर होते हैं कि यार एक ही दोस्त बनाना चाहिए, इतने सारे दोस्तों को तो कैसे हम निभा पाएंगे, या चलो मैं बैठा हूँ, मेरे को अपना एक, मेरे अंदर से जो कला है, चलो मैं अपने अंदर से एक कला, जो पेंटिंग करने की कला है उसको करता हूँ, या संगीत सुनने की कला है, या पिक्चर देखने की कला है, या पिक्चर कुछ लिखने की कला है, या कुछ लेखक बनना चाहते हैं, आप अपने अंदर से उसको एक्सप्लोर करोगे, अपनी डायरी बनाओगे, तो आप 100% स्ट्रेस से फ्री हो जाओगे। तो ये स्ट्रेस, आप आराम से बैठ जाइए आंखें बंद करके, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, अपनी सांसों के साथ रहिए, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ध्यान के बारे में ये बोला जाता है, ध्यान सर्व रोग निवारणी, सारे रोगों का अगर निवारण चाहते हैं तो ध्यान करना है। हरिया